सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सब? एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल। हाँ हाँ, काफ़ी दिनों बाद आया, मुझे पता है। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ और सुरक्षित होंगे। सो यार, ये वीडियो जनरली उतना कुछ खास नहीं है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि अगर आप 2020 में ASUS ZenFone 5 लेने का सोच रहे हैं, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए एंड तक, और आपको ज़रूर फ़ायदा होगा कि आपको ये डिवाइस लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। पर्सनली मैं इस डिवाइस को पिछले 1.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यार, ये डिवाइस अगर आप पबजी मोबाइल के लिए लेने का सोच रहे हो पर्सनली कि यार पबजी मोबाइल पे इसका क्या एक्सपीरियंस होगा, तो आप ज़रूर इसे पूरा एंड तक देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको ये डिवाइस लेना चाहिए या फिर नहीं। सो इससे पहले मैं वीडियो को आगे बताऊं, मैं बता दूं कि जो मेरा पर्सनल डिवाइस है इसका स्पेसिफिकेशन क्या है। ये वाला मॉडल है, ये 845 स्नैपड्रैगन का है और 6GB रैम वेरिएंट है। इसमें और भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं, बट ये मेरा वाला 6GB वाला है। सो यार, अर्लियर जब मैं 1.5 साल पहले इसे लिया था, तो यार इसमें गेम तो बहुत ही अच्छा चलता था। अगर आप स्पेसिफिकेशन की देखो तो 845 स्नैपड्रैगन भले अभी भी काफ़ी लेटेस्ट है, ज़्यादा नहीं, दो ट्रेंड पुराना ही है, अभी 855 और 865 ही आ चुके हैं। बट फिर भी अगर मैं बताऊं यार कि अगर इसका गेम प्ले कैसा रहता है पबजी में, तो हाँ, आपको जान के हैरानी होगी कि हाँ, ये लैग करता है। जी हाँ, क्लासिक में ये काफ़ी ज़्यादा लैग करता है। अगर बंदे काफ़ी क्लोज हैं तो ये डिवाइस लैग देता है, फ्रेम ड्रॉप देता है। और FPS की बात करूँ तो यार इसमें कॉन्स्टेंट 60 FPS नहीं आता है। हालाँकि है, इसका प्रोसेसर जो है वो काफ़ी मतलब आराम से उठा सकता है, इतना कैपेबिलिटी है इसके प्रोसेसर में कि ये 60 FPS दे दे, बट नहीं यार, ये 60 FPS नहीं देता है थ्रू आउट। जब बंदे नहीं रहते हैं तो दे देता है, लेकिन जैसे बंदे पास आते हैं तो इसमें फ्रेम ड्रॉप्स काफ़ी होता है, जो कि अनप्लेएबल है यार। मैं बात मानूँ, आप लिटरली नहीं खेल पाओगे। एक टाइम पे ऐसा होगा कि कुछ सेकंड के लिए तो आप बिल्कुल ही नहीं कुछ कर पाओगे। ये जो TDM मोड है, मैं मानता हूँ TDM में काफ़ी अच्छा चल रहा है, आपको ऐसा देखने को लग रहा है, बट हाँ, TDM में बेटर चल रहा है। अगर इस तरह का गेम प्ले जैसा TDM में चल रहा है, अगर ऐसा बिल्कुल क्लासिक में चले ना, मैं बता रहा हूँ कतई जहर हो जाएगा ये फ़ोन। बट जी हाँ, ऐसा नहीं चलता है क्लासिक में, ये थोड़ा लैग करता है क्लासिक में जब बंदे रहते हैं, या फिर हॉट ड्रॉप करो, या फिर कभी कभी आपको मतलब क्या बताऊँ, 1 सेकंड का ना स्कोप डीले लिखता है, 1 सेकंड में नहीं बोलूँगा यार, माइक्रो सेकंड। जैसे आप स्कोप इन करोगे ना, हल्का फ्रेम ड्रॉप होता है, जिसके चलते आपका एम पूरा गड़बड़ ख़राब सा हो जाता है। अगर आप बंदे के हेड पे क्रॉस हेयर है, जो क्रॉस हेयर है वो बंदे के हेड पे, और जैसे आप स्कोप इन करोगे ना, वो 1 सेकंड का डीले होता है, और वो बंदा कहीं अगर हल्का भी पोजीशन चेंज किया है ना, तो फिर तो आपका एम पूरा वैसे ही ख़राब होने से रहा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता। जो कि ये मेरे साथ बहुत ही होता है। मैं खुद ही ये देख रहा हूँ कि TDM में फिर भी देखिए बहुत बेटर चल रहा है। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कहीं कहीं पे ज़रूर दिखेगा कि हाँ फ्रेम ड्रॉप है, जैसे ये जगह पे आपको लगा, कहीं कहीं पे आपको हाँ TDM में भी पता चल जाएगा कि हाँ इसमें फ्रेम ड्रॉप्स हैं, बंदे रहते हैं तो। बट क्लासिक में यार ये बहुत ही ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम मुझे ये फेस करने को मिलता है कि FPS डाउन हो जाता है अचानक से। बट ये तो खैर चलेगा ही, ऑब्वियसली एंड्रॉयड डिवाइसेस में ये तो रहेगा ही, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। मेन बात है ये ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम ही है, और ये रहेगा। इसका चिपसेट इतना पावरफुल होने के बाद भी यार ये नहीं चला सकता है। सो अगर आप 2020 में लेने का सोच रहे हैं कि ASUS ZenFone 5Z के ऊपर जाया जाए कि नहीं, क्योंकि इसका प्राइस अभी काफ़ी अच्छा, मतलब वैल्यू फॉर मनी है। बाकी चीज़ों में देखा जाए तो इसका बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक है, अच्छा खासा अराउंड 3-4 आवर्स का दे देता है अगर कंटिन्यूस खेलोगे तो 100% पे। मैं जनरली स्मूथ एक्सट्रीम पे खेलता हूँ, और इसका सेटिंग मैं बता दूँ, ये HDR पे आपका अल्ट्रा तक जा सकता है, HDR पे अल्ट्रा तक जाता है, HDR पे एक्सट्रीम पे नहीं है ये। सो HDR पे 40 FPS पे ये चल जाएगा, बट 60 नहीं जाएगा। बट हाँ, स्मूथ एक्सट्रीम पे 60 FPS एक्सट्रीम तक जाता है, बट कॉन्स्टेंट 60 FPS देता ना, ये कॉन्स्टेंट 60 FPS नहीं देता है यार। सो अगर आप इसको लेने का सोच रहे हैं तो ठीक है, आप ले सकते हैं। बट अगर आप सोच रहे हो कि कॉम्पिटिटिव खेलने का, मतलब आप सोच रहे हो कि ये फ़ोन से कॉम्पिटिटिव खेलोगे, तो मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं, आप इसे मत लो, थोड़ा पैसा आपका डूब जाएगा। अगर आप नॉर्मली क्लासिक वगैरह के लिए खेलते हो तो ठीक है, फिर भी आप एडजस्ट कर लोगे, बट कॉम्पिटिटिव में नहीं यार। पॉइंट माइक्रो सेकंड का भी डीले होगा तो वो तो सामने वाला बंदा पेल जाएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है फिर आपको फ़ोन का, फिर आप पैसा जाएगा। उससे बेटर है कि आप वेट कर लो कुछ अच्छा डिवाइस का। और हाँ, मैं लास्ट में यही बोलूँगा, अगर आप ये डिवाइस क्लासिक नॉर्मल खेलना चाहते हो तो ले सकते हो, बट कॉम्पिटिटिव के लिए यार ये नहीं है, ये नहीं है, आप दूसरा डिवाइस की ओर जा सकते हो। सो थैंक्स।